देखिए रमेश भाई काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, नो डाउट, क्रिकेट भी खेले हैं, दुनिया भी घूमे, कमेंट्री भी की है, बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ टाइम गुजरा है उनका ऑफ द फील्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 साल अगर उनका था अब चेंज होना चाहिए, अगर केपेबल है रमेश भाई, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो केपेबल है। और असल चीज़ ये है कि रमेश भाई का जो मेन डिसीजन होगा वो ये होगा कि किन सिंसियर लोगों को, जिस मुल्क से सिंसियर हैं, पीसीबी से सिंसियर हैं और प्रोफेशनल लोग इस इदारे को चला सकते हैं। इदारा हमेशा इन लोगों पे खड़ा होता है जो केपेबल लोग हों, अगर वो मेरिट के ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती हैं, बॉम्बे चलती हैं, बहुत टैलेंट है इसके अंदर, लेकिन हमें उस चीज़ को थोड़ा सा निकालना भी पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने जो सवाल किया बहुत ज़बरदस्त किया। वेस्ट इंडीज में जाके ज़्यादातर लड़कों का मेरे ख्याल में पहला टूर था, वहाँ की पिचेस दुनिया के हर ग्राउंड से डिफरेंट, उनकी एटमॉस्फेयर है, पिचेस उनकी बिल्कुल चेंज है, मैं भी खेला हूँ वहाँ पे, और इस बार थोड़ी डिफरेंट ही नज़र आई, जो जमैका की पिचेस हमें नज़र आई, इस तरह होती नहीं है, तो वो नए लड़कों के लिए अच्छा था, चले एक हारे एक जीते, बराबर कर दी ये सीरीज़। और जो शाहीन वाली आपने बात की है, मेरे ख्याल में उसने लास्ट 1920 में कोई 700 ओवर किए हैं तकरीबन, मैंने जो मुझे जो पता चला 700 ओवर, यार एक फास्ट बॉलर के लिए, उस लड़के का फ्यूचर है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम बना सकता है, पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर जो है ना, मैं नहीं समझता कि वो सर्वाइव कर पाएगा। मैंने मेरे ख्याल में पहले किसी चेयरमैन को मैसेज किया है, उन्हें मुबारकबाद दी है मैंने और दुआओं के साथ, और उनको मैंने एक मशवरा दिया है कि रमेश भाई सिस्टम को ना चेंज कीजिएगा, सिस्टम को जब तक हम टाइम नहीं देंगे सिस्टम काम नहीं करेगा। ये नहीं होता कि नए चेहरे के साथ नए कानून आना शुरू हो जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी सिस्टम को जब आप बनाते हैं उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। ये तो रमेश भाई का अपना डिसीजन है, ठीक है। इस कुर्सी पर जब आप आ जाते हैं ना तो फिर आप पर्सनल नहीं होते, फिर आप मुल्क के लिए फैसले करने की कोशिश करते हैं, किसी को अच्छे लगेंगे किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी आपने बीच में बहुत ट्राई कर ली, मुख्तलिफ प्लेयर्स को खिलाया, चांसेस दिए, उनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यंग लड़के को चांस मिल रहा है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये आखिरी जैसे शोएब मलिक का आखिरी वर्ल्ड कप है, गिव हिम अ चांस, उसकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। और असल चीज़ ये है कि शोएब मलिक, हफीज, इनकी ज़रूरत भी है, हो ना कि ज़रूरत ना हो, इनकी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, तो लेट्स सी क्या डिसीजन होता है, लेकिन